हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराग ऑटोमेशन। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हम कैसे किसी भी मोटर का, कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, जो हमारा फील्ड इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, हम उन सब का कैसे जो है हिस्ट्री ओपन कर सकते हैं बाय यूजिंग वॉलमेट डीसीएस। हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वॉलमेट का मैक्स डीएनए। हम यहाँ पर उसके जो है स्काडा सिस्टम को, हमारा जो स्काडा सिस्टम होता है, हम जो अपने ऑपरेटर मोड में ओपन करेंगे, और वहाँ पर जाकर हम मोटर का और एक इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट का, कैसे हम उसकी ट्रेस को, हिस्ट्री को जो है ट्रेस करेंगे कि कब कब जो हमारा वो मोटर स्टार्ट किया है, कब हमने ऑफ किया है, वो कैसे कितने एम्पियर में चला है। ये सभी जो चीजें हैं हमारी आज हम इसमें देखने वाले हैं। चलते हैं हमारे वॉलमेट टीसीएस पे। यहाँ पर मैंने जो है एक मोटर का फेस प्लेट ओपन किया हुआ है। इसको आप किसी भी मोटर के, ये जो सिंबल आप दिखा रहे हैं कर्सर से, उस पर राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। आप सबसे ऊपर देख रहे हैं उस मोटर का टैग नंबर है, देन लूप विंडो है, देन हमारा इंटरलॉकिंग्स है, देन ट्रेस हिस्ट्री है। लूप विंडो में हम उसको स्टार्ट स्टॉप करने के लिए जो है हमारा लूप विंडो ओपन होता है। इनकेस में कोई फॉल्ट है, कोई इंटरलॉकिंग्स का है, तो हम वहां से देख सकते हैं इंटरलॉकिंग्स में भी हमारा क्या क्या इंटरलॉकिंग हमने जो है मोटर्स में दिया हुआ है। और आज ट्रेस हिस्ट्री जो है कि हम उसकी हिस्ट्री को कैसे जो है चेक कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसको। मैं इसको जूम आउट किया है अभी। देन ये लूप विंडो है हमारा, सेम इंटरलॉकिंग्स है, और देन ये ट्रेस हिस्ट्री है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही अब देखेंगे कि यहाँ पर एक जो है अलग विंडो ओपन होगी ट्रेसर के नाम से, और ये हमारी विंडो ओपन हो गई है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर बिलो साइड में, अब बिलो साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया है, स्टेटस आ गया है, स्केल आ गया है, मिनिमम मैक्सिमम का आ गया है, फंक्शन ट्रेंड का आ गया है, ऑफसेट आ गया है, और ये हमारा जो है ग्राफ आ गया है विद टाइमिंग के हिसाब से। अभी जो हमारी डेट है, हम चेंज कर लेते हैं कि हमारी वो मोटर कब स्टार्ट हुई थी। मेरे को, मैं अपने डेट चेक कर लेता हूँ, या फिर मे बी लास्ट टाइम मेरी मोटर जो थी वो किस डेट पे चली थी, वो मैं भी फाइंड आउट कर लेता हूँ, जन जिस डेट पे चली होगी। ये मैं चेंज कर लेता हूँ इस डेट को, मे बी यस 2 दिसंबर। यस, अभी आप देखेंगे 2 दिसंबर को जो है ये मोटर मेरी ये स्टार्ट हुई थी। और जो ये मेरे हाफ एंड आवर का, जो आप यहाँ पर देखेंगे 30 मिनट्स का मैंने स्पैम लिया है 30 मिनट्स के बीच में, और ये हमारी उसकी रनिंग स्टेटस जो है हमारा आ गया है कि हमारा जो है वो, जो आप इधर से देखेंगे रनिंग स्टेटस है, इधर से देखेंगे आप हमारा जो है नीचे की तरफ में टाइमिंग दिया हुआ है। आप इधर देख पा रहे हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे मिनिमम मैक्सिमम दिया हुआ है, और ये हमारा ट्रेंड दिया हुआ है। ऐसे आप हर एक मोटर का जो ये टाइमिंग स्पैम पीरियड बढ़ा के कम ज्यादा करके आप इसको जूमिंग करके भी देख सकते हो, ये कितने पे कांस्टेंट चल रही है, सेट पॉइंट क्या है हमारा, और हमारा जो सेट पॉइंट अगर नहीं है कांस्टेंट कितने पे चल रहा है वो, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।